अफराजुल हत्याकांड में राजसमंद से जोधपुर की जेल में जो बंद हैं श्री शंभूलाल रैगर जी, हमने उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना से उनको आजम खान के सामने उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि आजम खान ने हमेशा दलितों का अपमान किया, दलितों का धर्म परिवर्तन कराया और आजम खान ने कहा था अपने एक भाषण में कि ये जो बहुजन समाज है ये चांदी के वर्क में लिपटा हुआ गंदगी का एक ढेर है, चांदी का वर्क हटेगा तो गंदगी सामने आएगी। आजम खान हिंदुस्तान में दाऊद इब्राहिम का पैरोकार है, आजम खान हिंदुस्तान का हाफिज सईद है, इसलिए आजम खान को हराने के लिए शंभूनाथ जैसे, शंभूलाल जैसे किसी काल की जरूरत थी। शंभूलाल के बारे में पूरा देश जानता है कि अगर शांत है तो भोलेनाथ और बिगड़ गए तो शंभूनाथ। शंभूनाथ अब आजम खान के सामने रामपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हिंदुस्तान के इस हाफिज सईद का अगर कोई ठीक से इलाज कर सकता है पॉलिटिकली, अगर कोई ठीक से जो है आजम खान की जमानत जब्त करा सकता है, शंभूलाल रैगर करा सकता है। शंभूलाल रैगर जा रहा है रामपुर में और यहां पैरोल के लिए हम आए हुए हैं, राजस्थान में इस समय राजसमंद में मौजूद है, कल पैरोल डालेंगे, पैरोल लेके जेल से शंभूलाल को रामपुर लेके जाएंगे और जब रामपुर में शंभूलाल जाएगा तो जो हिंदुस्तान का हाफिज सईद है उसके पैर सूखे पत्ते की तरह कांप उठेंगे, थर 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 करके कांप उठेगा। आजम खान ने हिंदुस्तान में जिहादियों को मजबूत किया है, आतंकवादियों को मजबूत किया है, रामपुर सीआरपीएफ कैंप और संकट मोचन बनारस के हमलावरों के मुकदमे वापस लेने के लिए अखिलेश और आजम खान हाईकोर्ट की चौखट पे गए थे। भारत माता को डायन कहने वाला, भारतीय सेना को रेपिस्ट कहने वाला आजम खान अब जो है अपना अंत निश्चित समझ ले, क्योंकि अब जो है शंभूलाल आ रहा है, शंभूलाल आएगा आजम खान जाएगा। और शंभूलाल जो दलितों को जालीदार टोपी पहनवा रहा था, आजम खान जो दलितों को जालीदार टोपी पहनवा रहे थे कि धर्म परिवर्तन कर लो वरना तुम्हारे मकान तोड़वा दूंगा, बुलडोजर चलवा दूंगा, अब यही दलित समाज आजम खान से हर हर महादेव का नारा लगवा देगा, जय श्री राम और गायत्री मंत्र का उच्चारण करवा देगा।